नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल सक्सेस रामगढ़ में। दोस्तों, झारखंड में जो है महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा एक न्यू रिक्वायरमेंट की नोटिफिकेशंस निकाली गई है रिसेंटली में। जो है इसके एडवर्टाइजमेंट यहां पे जारी हुई है। मिनिमम अगर आप 10th पास होंगे तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं एंड पोस्ट के अकॉर्डिंग जो है आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी। आप जिस भी पोस्ट में सिलेक्टेड होते हैं तो उसके अंतर्गत यहाँ पे जो है दी जा रही है, ठीक है। तो दोस्तों, कौन से कैंडिडेट आप इसमें अप्लाई कर पाएंगे, क्या क्वालिफिकेशंस आपका यहाँ पे ली जा रही है, सारा डिटेल्स आपको इस वीडियो में आगे यहाँ पे देने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले बस आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप लाइक कर दें, और वीडियो थोड़ी सी भी अगर आपके लिए इन्फॉर्मेटिव लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन होगा उसको भी क्लिक करके ऑल पे प्रेस करें, जिससे कि कोई भी झारखंड की गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट जॉब की इन्फॉर्मेशन आती है या फिर किसी भी प्रकार के इंपॉर्टेंट नोटिस आएगी तो सबसे पहले आपको यहाँ पे मिल जाया करेगी। तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लें। सो देखिए दोस्तों, ये जो है इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो रिसेंटली में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय समाज कल्याण जो सरायकेला खरसावां है इसके अंतर्गत जो है यहाँ पे रिक्वायरमेंट निकाली गई है। वन स्टॉप सेंटर के जो विभिन्न पद है इन सभी में जो है रिक्वायरमेंट निकाली गई, ठीक है। दोस्तों, यहाँ पे आप देख पा रहे कि जो पोस्ट नेम आपका दी गई है, फर्स्ट में जो है केंद्र प्रशासक की यहाँ पे पोस्ट है, इसमें जो है केवल महिला अप्लाई कर सकते हैं। इसमें जो है टोटल आपका यहाँ पे जो है एक सीट है। इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपका निर्धारित अर्हता जो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे जो है ली जा रही है, तो अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है यहाँ पे सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर किए होंगे या फिर किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है विधि में अगर आप स्नातक किए होंगे तो ही आप जो है केंद्र प्रशासक की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। साथ में इसमें आपका जो एक्सपीरियंस यहाँ पे ली जा रही है, तो अगर आपका यहाँ पे जो है 6 ईयर्स की न्यूनतम आपका एक्सपीरियंस होगी तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। वहीं पे जो वांछित एवं जो कार्य अनुभव यहाँ पे रखी गई है, किसी भी गैर सरकारी संस्था से या फिर जो है यहाँ पे परियोजना से 1 वर्ष का जो है यहाँ पे अनुभव होगा तो भी आप केंद्र प्रशासक की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप सिलेक्टेड होते हैं तो उनको जो है 30,000 आपको पर मंथ यहाँ पे जो है सैलरी दी जाएगी। एंड नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट है केस वर्कर की पोस्ट है, इसमें भी जो है आपका ओनली फीमेल कैंडिडेट है जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी आपका जो अप्लाई करने के लिए जो क्वालिफिकेशंस यहाँ पे ली जा रही है, अगर आप जो है किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से या विश्वविद्यालय से जो है सामाजिक कार्य में स्नातकोत्तर किए होंगे या फिर अगर आप जो है किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है विधि में स्नातक किए होंगे एंड साथ में आपका एक्सपीरियंस यहाँ पर जो ली जा रही है न्यूनतम 3 ईयर्स की अगर आपके पास एक्सपीरियंस होगी रिलेवेंट फील्ड में तो आप केस वर्कर के लिए पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उनको जो है 20,000 यहाँ पर जो है पर मंथ सैलरी यहाँ पर दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट है परामर्शदाता, इसमें भी जो है ओनली फीमेल कैंडिडेट है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपका शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, तो अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है सामाजिक कार्य या फिर जो है नैदानिक मनोवैज्ञानिक यानी कि क्लिनिकल साइकोलॉजी में स्नातकोत्तर किए होंगे एंड साथ में मिनिमम जो है किसी भी राज्य स्तरीय या फिर जिला स्तरीय क्लिनिक से जो है 3 ईयर्स की आपका अनुभव होगा तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। परामर्शदाता के पोस्ट में सिलेक्ट होते हैं तो उन सभी को यहाँ पे जो है 25,000 तक जो है आपको प्रति माह सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की यहाँ पे पोस्ट है। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में है मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको अप्लाई करने के लिए जो आपका शैक्षणिक योग्यता ली जा रही है, तो अगर आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से जो है कंप्यूटर विज्ञान यहाँ पे किए होंगे या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में जो है स्नातक किए होंगे एंड साथ में आपका रिलेवेंट फील्ड में जो किसी भी राज्य स्तरीय या फिर जो है जिला स्तरीय गैर सरकारी संस्था या फिर सूचना प्रौद्योगिकी में जो है आपका यहाँ पे डाटा मैनेजमेंट प्रोसेस जो डॉक्यूमेंट इन सभी में अगर आपका एक्सपीरियंस होगी 3 ईयर्स की न्यूनतम आपका एक्सपीरियंस होगी तो आप इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें भी अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उनको जो है 25,000 आपको प्रति माह जो है सैलरी दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट है बहुउद्देशीय सहायक की पोस्ट है, इसमें भी जो है ओनली फीमेल कैंडिडेट ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें टोटल आपका जो है 3 सीटें हैं। इसमें अप्लाई करने के लिए जो है न्यूनतम आपका जो है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है मैट्रिक उत्तीर्ण होना चाहिए, तो अगर आप मैट्रिकुलेशन यहाँ पे उत्तीर्ण होंगे एंड साथ में जो है आपका सहायक या फिर अनुसेवक के रूप में जो है 3 वर्ष की न्यूनतम अगर एक्सपीरियंस होगी तो आप बहुउद्देशक सहायक की पोस्ट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उनको जो है 10,000 आपका यानी कि 10,000 जो है आपका प्रतिमा जो है सैलरी यहाँ पे दी जाएगी। नेक्स्ट यहाँ पे जो पोस्ट है सिक्योरिटी गार्ड, इसमें जो है मेल फीमेल दोनों कैंडिडेट जो है अप्लाई कर सकते हैं। इसमें टोटल आपका जो है 3 ही सीटें हैं। और इसमें अप्लाई करने के लिए जो आपका निर्धारित अर्हता ली जा रही है, जिसमें कि शैक्षणिक योग्यता में जो है आपका मिनिमम किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जो है मैट्रिक यहाँ पे उत्तीर्ण होनी चाहिए एंड साथ में जो है आपका 2 वर्ष के जो है अनुभव होनी चाहिए किसी भी जिला स्तरीय या फिर जो है राज्य स्तरीय अगर आप जो है सुरक्षा कर्मी के रूप में अनुभव होगा 2 वर्ष का
तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों सिक्योरिटी गार्ड में अगर आप सिलेक्ट होते हैं तो उन सभी को जो है 10,000 आपको प्रतिमाह जो है यहाँ पे सैलरी दी जा रही है। तो इस फॉर्म को आप कैसे आवेदन कर पाएंगे, तो आवेदन यहाँ पे देख पा रहे हो कि फर्स्ट पॉइंट पे यहाँ पे दी गई है कि आवेदन विहित प्रपत्र में ऑनलाइन वेबसाइट सबसे पहले जो है इसमें आपको यहाँ पर समर्पित करनी होगी। ऑनलाइन मोड पर जो है आपको यहाँ पर अप्लाई करनी है, ठीक है। तो कौन कौन डॉक्यूमेंट जो है आपको अपलोड करनी होगी ऑनलाइन के टाइम में, लाइक यहाँ पे जो आपका शैक्षणिक योग्यता होगा, प्रमाण पत्र उन सभी को, अनुभव एक्सपीरियंस जो प्रमाण पत्र होगा, या फिर जो आपका पठनीय प्रतियाँ होती है वो सब जो है आपका स्व अभिप्रमाणित पत्र, ये सभी डॉक्यूमेंट्स को जो है आपको अपलोड करनी होगी। तो ऑनलाइन मोड पर ही जो है आपको यहाँ पर आवेदन करनी है। अगर आप इसमें सिलेक्टेड होते हैं तो स्टार्टिंग जो है आपको 1 ईयर्स के लिए जो है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे यहाँ पे जो है रखी जाएगी। उसके पश्चात जैसा आपके यहाँ पे वर्क में संतोषप्रद यहाँ पे पाई जाती है तो उसको यहाँ पे जो है एक्सटेंड की जाएगी, ठीक है। दोस्तों 7 पॉइंट में आप देख पा रहे कि यहाँ पे जो कंडीशंस रखी गई है कि उपर्युक्त वर्णित सभी पदों में जो है समान अंक रहने पर सरायकेला खरसावां जिले के स्थानीय निवासी को सेवा प्रदाता के रूप में अनुबंधित करने में प्राथमिकता दी जाएगी। अगर समान अंक यहाँ पे 2 कैंडिडेट या फिर 3 कैंडिडेट का जो है समान अंक यहाँ पे पाई जाती है तो वैसे केस में जो है जो सरायकेला खरसावां जो यहाँ के स्थानीय निवासी होंगे इस जिले के, तो उनको जो है अनुबंधित में जो है यहाँ पे प्राथमिकता भी दी जाएगी, ठीक है। और दोस्तों जो एज की क्राइटेरिया यहाँ पे जो है निर्धारित की गई है, तो आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि जो एज की क्राइटेरिया जो आपकी गणना की जाएगी 17/11/2021 के अनुसार जो है आपका एज की गणना की जाएगी। एंड जो आपका इस फॉर्म को भरने की जो अंतिम डेट आपका यहाँ पे रखी गई है ऑनलाइन मोड पे भी जो है 17/11/2021 तक जो है इसको भरने की लास्ट डेट यहाँ पे जो है रखी गई है, ठीक है। एज के क्राइटेरिया में न्यूनतम आपका किसी भी पोस्ट में अप्लाई करते हैं तो आपका 18 ईयर्स न्यूनतम एज रखी गई है। एंड मैक्सिमम जो है आपका कैटेगरी के अनुसार यहाँ पे जो है ली जा रही है, लाइक अनारक्षित की कैटेगरी से होंगे तो उनको 35 वर्ष, वहीं पर पिछड़ा एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट होंगे उन सभी को 37 वर्ष, एंड फीमेल कैंडिडेट होंगे अगर आप अनारक्षित पिछड़ा या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग उन सभी के लिए 38 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी गई है। अनुसूचित जाति मेल या फिर फीमेल होंगे तो उन सभी के लिए 40 वर्ष यहाँ पे मैक्सिमम एज रखी गई। एंड जो लोग EWS से आते होंगे उन सभी के लिए जो है 35 वर्ष यहाँ पे जो है मैक्सिमम एज यहाँ पे रखी गई है, तो ठीक है। तो इस प्रकार से जो है यहाँ पे अगर आप इंटरेस्टेड एंड एलिजिबल होंगे तो आप 11 नवंबर से पहले जो है इसको आपको ऑनलाइन मोड पे जो है आपको आवेदन करनी होगी। तो आई होप कि पूरी प्रोसेस आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में किसी भी प्रकार की डाउट रह जाती है इस फॉर्म के रिगार्डिंग तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और अपने साथ अपने ज़रूरतमंद दोस्तों को भी शेयर करना, और अगर चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल का आइकन को भी प्रेस कर लें।